जय हिंद दोस्तों, सानी जी एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हेडिंग को देख करके आप लोग समझ गए होंगे हम क्या पढ़ाने वाले हैं। गंगा नदी का मुख्य सहायक नदियाँ जो गंगा नदी में जाके मिलता है, उन नदियों का नाम बिल्कुल ट्रिक से सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है, हेडिंग देख लेते हैं। गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन है? गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ, चलते हैं देखते हैं। तो इसका ट्रिक देखिए क्या लिखे हैं, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। बस नदी का नाम हम बोले हैं यशोदा को राम को, राम यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। इसमें 10 नदियों का नाम छुपा है। चलिए दिखाते हैं कौन कौन सा नदी का नाम छिपा है। हम क्या बोले, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, और ये 10 नदी का नाम है। इसी लाइन में 10 नदियों का नाम छुपा है, जैसे कि हम पहले लिख चुके हैं। देखिए लिखे हैं यशोदा, यश यमुना जो गंगा से मिलने वाली नदियां हैं, गंगा में मिलने वाली, को यशोदा, सो से हो जाएगा सो नदी, और दा से हो जाएगा दामोदर, यशोदा खत्म। अब आ रहा है को, तो को से हो जाएगा कोशी, को से हो जाएगा कोशी, को भी खत्म। अब आ रहा है राम सा कंगन चाहिए, तो रा से हो जाएगा राम गंगा, और म से महानदी, और सा से जो है शारदा, क्योंकि राम खत्म हो गया सा आया है, तो सा से हो जाए शारदा, क से करनाली, प्लस में है घाघरा, और च से चंबल। देखिए दोस्तों, ये कितनी इजी तरीका हम कर दिए हैं याद रखने के लिए, कि बच्चों जो है अगर इतने सहायक नदियों का नाम याद नहीं रख सकता तो एक लाइन याद रखेगा, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, और इसमें 10 नदियों का नाम आ चुका है। अगर हम ये लाइन लिखते हैं तो इस लाइन के नाम का हर एक अक्षर से नदी का नाम हम तैयार कर लेंगे, हर एक शब्द से, यानी यशोदा से यमुना, सो से सोन, दा से दामोदर, को से राम, सॉरी को से कोशी, और राम से, रा से राम गंगा, म से महानदी। तो देखिए दोस्तों, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा में काम आने वाला ट्रिक है। मान लेते हैं हम कभी पेपर हॉल में बैठते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, तो हमारी जो है इस तरह का मुख्य गंगा नदी में मिलने वाले मुख नदियों का अगर नाम पूछ लिया, किसी कारणवश अगर हमें याद नहीं है, तो अगर ट्रिक है हमारे पास तो वो पेपर हम अच्छे से पास होके आएंगे। तो हम लिख लेंगे, देखिए यशोदा को राम से कंगन चाहिए। किसका नाम रखना है? यशोदा का नाम रखना है यार, और कंगन को याद रखना है, जो यशोदा को राम से कंगन चाहिए। तो इनको देखिए, यमुना, सोन, दामोदर, कोशी, गंगा, राम गंगा, महानदी, शारदा, करनाली, प्लस में घाघरा, गंडक, चंबल, च से चंबल। मिल चुका है, क्लियर हो चुकी है दोस्तों, और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा ट्रिक एक लग रहा है जैसे कि कोई जादू हो गया है। देखिए कि 10 नदियों का नाम एक लाइन में हम लिख दिए हैं, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, 10 नदियों का नाम एक ही लाइन में छिपा हुआ है। अगर हम इन ट्रिक से चलते हैं तो हर मुश्किल रास्ता हमारे लिए आसान हो जाता है दोस्तों। तो हम क्या पढ़ा है अभी, गंगा नदी में मिलने वाली मुख्य नदियां, तो बता दे रहे हैं एक बार और, यमुना है, सोन, दामोदर, कोशी, राम गंगा, महानदी, शारदा और करनाली, और घाघरा प्लस में गंडक, चंबल। सबका जो है यहाँ से लिया गया है शब्द, यानी इस सब इन लाइन का जो है पहला शब्द लिए हैं, यह से यमुना, शो से हो जाएगा सोन, दा से दामोदर, को से कोशी, और राम से, रा से राम गंगा, सा से, सॉरी म से महानदी, और सा से शारदा, क से करनाली प्लस घाघरा,
और ग से यहाँ पे गंडक हो जाएगा और च से चंबल। तो उम्मीद करते दोस्तों आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आ जाए तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये ट्रिक आप सभी को काम आने वाला है। तो यहीं पे हम करते वीडियो को स्टॉप दोस्तों, बाय बाय।